तो आज आप जब ये ब्लॉग देखकर ख़त्म करोगे ना, तब तक आपको पिंक एरिया हो जाएगा। क्या नहीं पता पिंक एरिया क्या होता है? हेडिंग से पता चल गया होगा, कवर पेज से भी पता चल गया होगा कि पिंक एरिया क्या है। वैसे पिंक एरिया वर्ड मैंने इन्वेंट किया है अभी आपसे बात करते हुए। तो पिंक एरिया इसलिए क्योंकि आज मैंने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करते हैं। रोज का खाना तो हम लोग रोज ही बनाते हैं, आज क्यों ना खाने को एक कलर दे दिया जाए जो कि हो पिंक कलर। पिंक कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाय द वे मैंने कपड़े भी शायद कोइंसिडेंटली पिंक ही पहना है। सो आजकल ये बहुत चल रहा है यूट्यूब पर कि 24 आवर्स तक पिंक 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 कलर का खाया जा रहा है, पर वो एक ही पर्सन को ही कर रहा है। मैंने सोचा कि हम पूरी फैमिली करेंगे, क्योंकि अगर मैं अकेले पिंक फूड खाऊंगी ना तो मुझे अपना खाना अलग, उनका खाना अलग ऐसे बनाना पड़ेगा। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पूरी फैमिली को पिंक वाला फूड खिलाऊं। तो जी हाँ, आज इसलिए मैं सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर शाम के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सिर्फ अपनी फैमिली को पिंक खाना देने वाली हूँ। बस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अनिका को जो मैंने सुबह टिफ़िन दिया है उसमें मैंने कोई भी पिंक कलर का फूड नहीं दिया है। वो इसीलिए क्योंकि अनिका स्कूल गई है, उसके साथ अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ इस तरह से और कहीं अगर उसने खाना नहीं खाया तो फिर मुझे कितनी तकलीफ होगी वो आप समझ ही सकते हो, है ना। जब बच्चा टिफ़िन ना खाए ना तो माँ के ऊपर क्या गुजरती है सिर्फ माँ जानती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब अनिका स्कूल से आ जाएगी तब से लेकर रात तक वो पिंक फूड को फॉलो करेगी। तब तक मैं और राज तो है ही है पिंक फूड खाने के लिए, है ना। सो तैयारी मेरी चल रही है। देखिए मैंने अभी अभी ये बीट रूट जो है इसे कद्दूकस करवा लिया, क्योंकि बीट रूट की वजह से ना पिंक कलर फूड में ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, तो ये हेल्प करेगा। बट इससे पहले मैंने कभी भी अपने फूड को एक पर्टिकुलर कलर नहीं दिया है, तो पता नहीं ये चैलेंज मेरे लिए कितना आसान होगा कितना डिफ़िकल्ट होगा मुझे नहीं पता। अभी मुझे काफ़ी आसान लग रहा है, बट रात के खाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना आसान था कितना डिफ़िकल्ट था। ठीक है, कुछ पहली बार ऐसा करने जा रही हूँ। चलिए फिर नाश्ता बनाते पिंक कलर का। और हाँ, लाइक कर दिया है ना इस वीडियो को? नहीं किया तो अभी भी बहुत समय है, लाइक कर दीजिए। और बाल थोड़े से चंपू चंपू लग रहे हैं क्योंकि तेल बहुत सारा लगाया है। ऑलरेडी आपके आँखों को ना पिंक एरिया का असर जो है वो दिखने लग गया होगा। जी हाँ, ब्लॉग में इतना पिंक देखेंगे ना तो आपको आपकी अगल बगल की चीज़ें भी पिंक देखने को मिलेंगी। और ये तो शुरुआत है। तो मैंने बनाए हैं ओट्स, और ओट्स में मैंने पिंक कलर को ऐड करने के लिए रूह अफ़ज़ा डाला है। इसमें ऑलरेडी शुगर होता है क्योंकि ये शुगर सिरप से बना हुआ, वो उसका पता ना आपको रूह अफ़ज़ा क्या है, तो इसीलिए मैंने ओट्स में एक्स्ट्रा ऊपर से कोई शुगर नहीं डाली है। तो मैंने रूह अफ़ज़ा दूध और ओट्स को एक साथ पका लिया है, कलर एग्जैक्टली पिंक आया है। और ऊपर से मैं डालूंगी ये अनारदाना। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे टेस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी ना ही खाया ना बनाया। चेक करते खाकर कितना अच्छा लगा और कितना नहीं। तो ये है आपका आज का पिंक ब्रेकफास्ट। तो मुझे पिंक खिला रही हो, मैं तुम्हें एक दिन ब्लू खिलाऊंगा। पहले पिंक खा लो। वाला कलर खा सकता हूँ। यू शुड आल्सो ईट बॉयज कलर।
हाँ मैं खा सकती हूँ, पर ब्लू कैसे बनाएंगे? कलर डाल डाल कर ही बन पाए? मैं मास्टर से किस दे रहा हूँ। अच्छा खा कर बताओ। अच्छा लग रहा है। हाँ इसको मेनू में ऐड कर सकते हैं क्या अपने? बहुत अच्छा। ओके तो मैं भी एक चम्मच पहले खा कर देखूँ। वेरी यम्मी, नाइस। इसमें बेरीज भी डाली है मैंने, अनार डाला है। आप फ्रूट तो ऊपर से चेंज कर सकते हैं। चलो ब्रेकफास्ट हम लोग का पिंक वाला एक्सेलेंट हो गया है ना। अच्छा तुमने पिंक कपड़ा भी पहन लिया? हाँ वो कोइंसिडेंटली मैंने सुबह पहन लिया था, रात में ही पहन लिया था। अच्छा बना, अच्छा ना, सच्ची में अच्छा बना। चलो फिर ऐड इट मेन्यू में हमारे एवरीडे के। एवरीडे नहीं, कभी कभी। हाँ हाँ कभी कभी, सॉरी। तो देखिए ना कि फिर से मैंने पिंक कलर का ये टॉप पहन लिया है, क्योंकि मैंने ठान ली है कि आप जब ये व्लॉग ख़त्म करोगे ना आपको सब पिंक दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि आपको पिंक एरिया पूरी तरह से हो जाए, जैसे मैं आज अपनी हर जगह पिंक एरिया कर रही हूँ वैसे आपके साथ भी हो जाए। मेरा मतलब ये मकसद है, देखते कितना हम लोग इस मकसद में पूरा कामयाब होते नहीं होते हैं। तो पिंक कलर का खाना बनाने जा रही हूँ। काफ़ी वीडियो देखे मैंने, अपने कुछ दिमाग में घोड़े जो होते हैं ना उन्हें भी दौड़ाए और फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही बनाती, तो देखते हैं कैसा बनता है क्या है। कभी ऐसा बनाया नहीं तो थोड़ा सा मतलब है डर सा अंदर, पता नहीं कैसा बनेगा। तो मैंने जो बीट रूट है उससे कद्दूकस कर लिया, आपको दिखा दिया था ना मैंने, तो मैं उसकी रोटी बनाने जा रही हूँ। अभी दो तीन तरह की रोटी मैंने देखी है, कहाँ कहाँ पर मैंने ये देखा है, मतलब किसी किसी वीडियो में मैंने ये देखा कि बीट रूट को उबाल कर भी कर रहे हैं, किसी किसी में बीट रूट को ऐसे ही पीस कर कर रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि कैसे करूँ तो जो स्वाद है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि बीट रूट की रोटी मैंने नहीं खाई है इससे पहले, तो अंदाज़ा लगाना भी डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि पकाने के बाद ही मुझे उसकी रोटी बनानी चाहिए जो कि बेटर लगेगी, और मुझे लगता है उसमें मैं थोड़ा सा टमाटर भी डालूं तो थोड़ा खट्टापन आएगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पर खट्टेपन के लिए आमचूर वगैरह डाला गया है। मुझे लगता है टमाटर का स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा बीटरूट के साथ, क्योंकि मैं बीटरूट का सूप बनाती हूँ जिसकी रेसिपी आज शाम को मैं दिखाऊँगी, मतलब आपके लिए तो इसी ब्लॉग में मैं शाम को बनाऊँगी। तो चलिए उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे ना वो बहुत कंफ्यूजिंग थे, तो मुझे जो लग रहा है मैं वैसे दिखाती हूँ आपको। से दिख रहा है टमाटर डालने की वजह से एक्चुअली इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ये अभी थोड़ा सा पिंक से रेड में दिख रहा है, मैंने इसको आटे में डाल दिया है। आई रियली होप कि मेरी रोटियां पिंक बने। और बीट रूट मुझे लगता है ओनली ऑप्शन है, और रोज सिरप, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको खाने को पिंक बना सकती है। तो ये देखिए आटे में मैंने इसको डाल दिया है और मैं इसको गूंथूंगी। टमाटर की वजह से इसकी खुशबू बढ़िया आ रही है।
मुझे डर था ना वही हुआ, ये जो मैंने गूथा है ना इसमें कलर रेड आया है, ये देखिए क्लियरली आप इसको रेड कलर में देख सकते हैं, हल्का गुलाबी है बट रेड कलर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। और इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला क्योंकि ये जो हमने पेस्ट पिज़्ज़ा था ना इसी में इतना पानी था कि मुझे एक बूंद भी पानी नहीं डालना पड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज़ में मैं एक्चुअली फेल हो चुकी हूँ। व्हाट डू यू थिंक गाइस, बताओ जल्दी कि मैं फेल हो चुकी हूँ। मैंने टमाटर डालकर क्या सच में गलती की, मुझे टमाटर नहीं डालना चाहिए था। मुझे अभी इसलिए समझ में आ रहा है कि क्यों सब ने टमाटर नहीं आमचूर डाला। तब मुझे दिमाग की बत्ती जल रही है अब मेरी, तो गुरगुर मेरी जो मशीन है उसका आवाज़ है। अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। पनीर के ऊपर लाल कलर लाना मुझे लगता है आसान है, तो ये रेसिपी मैंने अपनी ही सोची है जिस तरह से मैं पनीर को कलर ला पाऊँगी। लेट्स सी कैसे बनती है, ठीक है? तो बनाते फिर ही समझ में आएगी कैसे बन रही है क्या नहीं बन रही है। सब्जी जैसे कि आपने देखी, अभी रखती हूँ एक मिनट दो बस, मेरी मशीन आपको पता है ना किचन में ही है। तो ये पनीर जो है मेरे पिंक कलर के, हाँ बाबा अभी रखती हूँ सब्जी तो पकने दे। तो सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है, विद इन पहले रख दूँ मैं, मैंने रख दिया है कपड़ों को एक बराबर। तो ये सब्जी मेरी बन चुकी है, बहुत सुंदर लग रही है। बनाने के बाद आपको 5 से 2 मिनट तक इसे कुक करना है। और अब मैंने वाइट राइस बना लिया है, उसमें भी मैं पिंक कलर ऐड करूँगी थैंक्स टू बीट रूट, जिसकी वजह से मैं हर एक खाने में पिंक कलर ऐड कर पा रही हूँ, बहुत आसान हो गया है। चलिए करते वो भी। तो ये सेम कढ़ाई है जिसमें मैंने आटे के लिए बनाया था ना, वो सेम कढ़ाई मैंने ली है। इसमें मैं थोड़ा सा जो कद्दूकस किया हुआ बीटरूट है वो डालूंगी। अब इस राइस में ना मैंने थोड़ा सा पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ जिससे इसमें ना थोड़ी फ्रेशनेस आए। तो ये देखिए मैंने पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं। इस चावल में मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चावल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फैंसी सा टेस्ट करे। ऑलरेडी हमारे पास फैंसी खाना है आज, रोटी भी सब्जी भी, तो इसलिए चावल को मैंने सिर्फ कलर देने की कोशिश की है और कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। डाइनिंग टेबल पर पिंक ही पिंक दिख रहा होगा। मैं पिंक दिख रहा है। अच्छा अनिका भी आ चुकी है स्कूल से, ये भी पिंक ही है। हाँ रोटी खा अच्छा बहुत टेस्ट। हाँ
रोटी पूरी को पराठा आप ट्राई करिएगा पराठा और सब्जी डेफिनेटली ट्राई करिएगा। पनीर ही है। हाँ पनीर अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। सोडा नहीं है बाबू, रू अफजा है। रूअफजा में सोडा डाल दो। पापा ने अपने में सोडा डाला, बाकी सब में पानी डाला है। और क्यों पापा नहीं मुझको सोडा दो? चावल खाया, मैंने चावल में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक, चावल, थोड़ा सा तेल, पुदीना और बीटरूट, बस ये पांच चीजें डाले तो चावल इतना टेस्टी बना है। ये सारी चीज आप घर पर ट्राई करो। तो बहुत अच्छा पुदीना के वजह से ना एक फ्रेशनेस आ गई है। मैं अच्छा पापा मैं को आपको सोडा वाला पिलाना। पिंक हिट हो गया। अभी रात का खाना बाकी है और शाम का नाश्ता बाकी है, देखते हैं। तो अभी तो नाश्ता भी अच्छा। हाँ सुबह का नाश्ता भी राज को लकीली पसंद है, नहीं तो उनको एक्सपेरिमेंटल फूड कभी पसंद नहीं है। छोड़ा ही नहीं नाश्ता अच्छा। को ओट्स बनाए थे हमने रोज वाले, ये इसका फ्लेवर का ओट्स। तू खाओगी? 2 घंटे में बना के देती हूँ। देखा, चलिए हम एंजॉय करते हैं हमारा लंच। मिलती हूँ आपको बाद में। सारी रेसिपी घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। बर्तन वाली दीदी का बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के जो बर्तन होते हैं उन्हें धोने का काम दीदी का रहता है। तो दीदी आती है, बर्तन वगैरह धो देती है, किचन साफ़ हो जाता है, तो शाम का नाश्ता और जो भी खाना वगैरह बनाने में मुझे अच्छा लगता है। तो आज बज के है 6:15 और पता नहीं क्यों उन्हें हो गया है लेट, ऐसा कभी होता नहीं है। उन्हें मैंने फ़ोन भी लगाया पर उनका फ़ोन भी नॉट रीचेबल है। अब मैं क्या करूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ 10-15 मिनट उनका और इंतज़ार करूंगी, उसके बाद फिर अपना तैयारी करूंगी, क्योंकि नाश्ता रात का खाना बनाना तो है ही है ना। तो शाम के नाश्ते के लिए मैंने शक्करकंदी को उबाल लिया था, उसके छोटे छोटे आलू की तरह पीसेस करके उसमें थोड़ा सा बीटरूट का पेस्ट या जूस जो भी आप बोले वो डाल दिया है। ओहो बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत हुआ है। साथ ही साथ थोड़ा सा जो भी चाट मसाला, काला नमक सब डालकर ये शाम की चाय वाला परफेक्ट नाश्ता तैयार हो गया है, जो हेल्दी भी है। वैसे चाय तो गुलाबी रंग की नहीं हो सकती, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। चाय मैं नहीं पीती, मैं दूध वाली लड़की हूँ, मैं चाय नहीं पसंद करती हूँ। तो मिस्टर के लिए तो चाय बननी है, तो ओनली एक चीज़ जो उन्होंने पिंक के अलावा खाई है या पी है वो है चाय। बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रही हूँ। लेट मी शो यू गाइस।
पोटैटो। तो ये है स्वीट पोटैटो। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ओके तो मेरे पास आया है MI का इंडिया नंबर वन क्या है स्मार्ट फोन ब्रांड। ओके तो ये मोबाइल मुझे भेजा है एक ब्रांड ने गिफ्ट, मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। रेड पता नहीं, खोलेंगे तब पता चलेगा। विश करेंगे कि पिंक कलर का हो। तो आज तो मेरा गिफ्ट रिसीव करने का दिन है। बहुत अच्छा मोबाइल है। तो अनिका ने कब्जा कर लिया है मोबाइल पर और ये मुझे एक वाइप्स की ब्रांड की तरफ से मिला है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट वाइप्स है। सो थैंक यू। इस ब्रांड के बारे में मैं इंस्टाग्राम पर बात करूँगी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं सूप बनाने जा रही हूँ बीटरूट का। यस बेटा तो यहाँ पर देखिए टमाटर, थोड़ा सा धनिया, बीटरूट और लहसुन, इसको मैंने स्टीम कर दिया है। मैं इसे बॉईल नहीं करती, स्टीम करती हूँ जिससे इसके न्यूट्रिशन इसी के अंदर रहे। और अब इसे मैं पीस लूँगी। अगर आपको मिर्च अच्छी लगती है तो हरी मिर्च का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती क्योंकि अनिका को भी इसे मुझे देना होता है। पीस लेते हैं। तो पीस कर हो गया है मेरा और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और मैंने इसे छाना नहीं है क्योंकि मुझे इसका पिसा हुआ हर एक चीज़ चाहिए। आप इसे छान सकते हो अगर आपको एकदम क्लियर सूप चाहिए। मुझे थोड़ा सा थिक सूप अच्छा लगता है। और साथ ही मैं इसमें बस इतना आटा डालूँगी तो इसका ना टेक्स्चर जो है वो सूप का थोड़ा और डालती हूँ, इतना कम है। बस इतना आटा डाल दिया है मैंने, गेहूं का आटा, तो टेक्सचर है ना एकदम सूप जैसा आएगा। मुझे वो पसंद नहीं कि मैं कॉर्न स्टार्च वगैरह कुछ डालूं, ये डालती हूँ। तो चलिए अभी मैं कैसे बनाऊंगी बताती हूँ। Pink soup. Today mummy is giving only pink to us. तो सूप तो सबका पीकर काफी समय हो गया है। अब मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं क्या कर रही हूँ, ये है डोसा बैटर। डोसा बैटर मेरा रेडी है और इसी में मैं ये जो बीटरूट है इसका जूस डालूंगी कलर के लिए। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला पिंक फूड चैलेंज। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बीटरूट के भरोसे मैं पिंक कलर के लिए बैठ गई। ये मेरे दिमाग में सूप पीते समय आ रहा था और मुझे ये चीज़ खटक रही है क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि किसी भी फूड में मैं अगर बीट रूट का जूस डालूँ तो कलर बदल जाता है। पर नहीं, ये चैलेंज सही नहीं है ऐसे मुझे लगता है। और थोड़े ऑप्शन मुझे सोचने चाहिए थे, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह। इस मौसम में वैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं मिलती है। I'm not so happy about it. So finally हमारे
बेबी पिंक कलर के डोसे तैयार है। एग्जैक्टली कलर आई थिंक कैमरा मेरा ले नहीं रहा है, पर अगर आप रियल में देखेंगे तो ये बेबी पिंक कलर दिख रहा है। अब थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होंगे। सो ये बेबी पिंक कलर के डोसे का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने खाकर देखा, मैंने देखा कि कुछ ऐसा स्वाद नहीं बदला है, बीटरूट की वजह से कोई स्वाद नहीं बदला है। एंजॉय करते हैं। तो हालत मेरी काफ़ी बुरी दिख रही है कैमरा पर, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी समय हो गया है और कुछ चेहरे का तो ऐसा हाल होना ही है कुछ देर के बाद। ओके, सो पिंक फूड चैलेंज यहाँ पर मेरा ख़त्म होता है। मेरी फैमिली भी एक्चुअली सो गई है और मैं उन्हें डिस्टर्ब करने वाली हूँ आपके ब्लॉग्स के थ्रू। सो पिंक फूड चैलेंज ख़त्म होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी कुछ नया बनाने की कोशिश की और अच्छा भी बन गया, ये अच्छी बात थी। बट एक्चुअली रात होते होते जो सेम एक्सपेरिमेंट मैं कर रही थी पिंक कलर को लाने का, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैंने हर एक चीज़ पिंक ही खाई आज सुबह से रात तक, पर तरीका तो बीटरूट से ही है पिंक बनाने का खाना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत तेज़ खटकी है खुद को ही, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा और स्टडी कर लेना चाहिए था, पता नहीं, मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे। सो आप ही बताइएगा, क्या मैं कुछ और नया ट्राई कर सकती थी तो वो क्या था, क्योंकि मेरा माइंड दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ बन सकता था। तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो नेक्स्ट टाइम विदाउट बीटरूट के हेल्प से अगर हम पिंक फूड बनाना चाहें तो क्या वो बन सकता है। सो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपने अपने सजेशन दीजिएगा मुझे। और बस ये था मेरा पिंक फूड चैलेंज। पसंद आया तो लाइक तो कर ही दिया होगा, किया है ना आपने, किया है तो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलती हूँ कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आप सबके लिए शूट कर रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ऑलरेडी मैंने प्लानिंग कर दी है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ कल का ब्लॉग शूट करने के लिए। मतलब ये ब्लॉग जो आप देख रहे हो इस समय, इसके बाद वाला ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। फैमिली तो सो गई है तो वो गुड नाइट और बाय नहीं करेगी, पर मैं हूँ, मैं करूँगी। ओके बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, क्योंकि आप तो सुबह सुबह देखते हो ये ब्लॉग, तो आपके लिए हैव अ ग्रेट डे।